हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ के इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर को हम लेते हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन देंगे, जो आपके बोर्ड में पिछले 10 सालों में पूछे गए। तो यहाँ पर हम इस सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं जो पिछले 10 साल में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। सेकंड चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो 2011 और 2014 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको विभव का मात्रक बताना है। तो विभव का मात्रक बताने के लिए हम विभव का फॉर्मूला देख लेते हैं। वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। विभव बराबर होता है कार्य बट्टे आवेश। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का कूलाम। तो जूल पर कूलाम, तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन मिल गया हमको, पहला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, जूल पर कूलाम। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ई बराबर जीरो तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि वी आर पर किस प्रकार निर्भर करेगा, कहाँ पर, जहाँ पर ई जीरो होता है। तो इसके लिए हम E और V में संबंध लेते हैं। तो E बराबर क्या होता है हमारा, E बराबर dV बाई dr, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ये जो E है ये कितना दिया है, 0, तो E की जगह हम 0 रख देते हैं। तो dV अपॉन dr बराबर 0 हो गया। तो अब इसमें आपने मैथ्स का नियम लगाना है कि जो कॉन्स्टेंट चीज़ का अवकलन होता है वो शून्य होता है। यहाँ dV बाई dr 0 आ रहा है, उसका मतलब क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है उसका मतलब यहाँ जो वी होगा, जो वी है हमारा, जो विभव है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, के होगा। तो विभव नेतांक होगा, क्यों, क्योंकि नेतांक का ही अवकलन शून्य होता है। तो यहाँ विभव नेतांक होगा। तो नेतांक का क्या मतलब है कि जो विभव है ये आर पर निर्भर नहीं करेगा। तो जहाँ ई जीरो होता है वहाँ विभव आर पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा कहाँ होता है, गोली खोखले चालक के अंदर। गोली खोखले चालक के अंदर ई जीरो होता है, विभव हर जगह पर एक जैसा होता है। वहाँ जो विभव होता है वो आर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही ऑप्शन होगा कि जहाँ ई बराबर जीरो होता है वहाँ वी आर पर निर्भर नहीं करता है। हम लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कृत कार्य होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना है हमको। अब इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, W बराबर, इसका फॉर्मूला होता है W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो थीटा कितना दिया है यहाँ, 90 डिग्री, तो 1 माइनस cos 90 हो गया। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसमें हम 0 रख देते हैं, तो हो गया हमारा W बराबर PE 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1 ही हो गया। तो पी इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, PE। तो यहाँ पर अगर थीटा 90 हो तो क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, PE के बराबर होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अपना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और इसके अलावा ऊर्जा का एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी याद कर सकते हैं। जो एक ईवी होता है वो 1.6 × 10^-19 जूल के बराबर होता है। तो जूल हम जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारा ऊर्जा का मात्रक है जो जूल से इस संबंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। हालांकि ऐसा ही मात्रक जूल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका एक अन्य मात्रक होता है। इसके बाद हम अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से आधी दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर ई और वी दिए हैं, तो उनमें संबंध बताना है। तो यहाँ तो सीधे संबंध होता है ई बराबर वी अपॉन डी, ई बराबर वी अपॉन डी, दूरी। यहाँ दूरी की जगह आर आ जाएगा, तो दूरी की जगह आर आ जाएगा, तो यहाँ रिलेशन क्या मिल जाएगा, ई बराबर वी अपॉन आर। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है,
फिर आपने क्या किया, इसमें एक प्रायोगिक अंक के को इसमें प्रवेश कराने पर इसकी ऊर्जा यू हो जाती है। तो आपको यू और यू जीरो में संबंध ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यू का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यू के अनेक रूप होते हैं जिनमें से एक रूप होता है यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब जैसे हम पट्टी उसमें प्रवेश कराएंगे तो संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि के प्रायोगितांक की पट्टी रखने पर धारिता बढ़ जाती है और के गुनी हो जाती है। तो यहाँ जो धारिता हो जाएगी हमारी सी के हो जाएगी या के इंटू सी हो जाएगी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया हाफ क्यू स्क्वायर बाई के सी। जब प्रायोगिक पट्टी प्रवेश कराएंगे तब उसमें ऊर्जा इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाई के बाहर ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया हमारा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब ये जो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी है तो ये क्या है हमारी शुरू की स्थिति हो जाए यानी यू यू जीरो। तो इसकी जगह यू जीरो रख देते हैं हमें, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर वन अपॉन के ऐसी रहा यू जीरो, इसकी जगह हमने रख दिया यू जीरो, तो यू जीरो इंटू वन अपॉन के यानी यू जीरो बाई के। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक ऊर्जा की वन बाई के गुनी हो जाएगी। तो यहाँ जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ये हमारा 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो यहाँ पर एक तो दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर और 2 आवेश दिए हैं जिनमें से प्रत्येक का आवेश दिया है 1 माइक्रोकूलम। तो आपको क्या बताना है, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो इसमें निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि यू बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हो जाता है हमारा Q1 Q2 बाई R। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर लेते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है हमारी, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 9 × 10^9। अब Q1 Q2 की जगह हम रख देते हैं 1 माइक्रोकूलम, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, ये माइक्रोकूलम है जबकि आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो इसको हमने गुलाम में बदलना पड़ेगा। तो 1 माइक्रोकूलम में कितने गुलाम होते हैं, 10^6। तो इसको हमने गुलाम में रख दिया, Q2 भी इतना ही है, 1 माइक्रोकूलम यानी 10^6 गुलाम और बाई बट्टे में दूरी। तो दूरी कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर हो गया, 10^2 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 10^9, ये 10^6, तो कितना हो गया 10^3, और ये भी ले लें तो ये हो जाएगा 10^3। तो यहाँ से हमारा आंसर इस तरह से बन जाएगा कुछ 9 × 10^ इन सब घातों को हमने सॉल्व किया तो 10^3 और बट्टे में क्या आया हमारा 10^2। फिर अब क्या करेंगे, हम ऋण 2 को भी ऊपर ले लेंगे, तो ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, तो ऋण 3 धन 2 ऋण 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा 9 × 10^-1। तो 9 × 10^1 और ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो 9 × 10^1 यानी अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 9 × 10^1 माने 0.9। तो 0.9 ये भी है ये भी है, लेकिन हमारा आंसर किस में आएगा, एसआई पद्धति में आएगा। तो एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, तो यहला ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि ऑप्शन 2 0.9 जूल। इसके लिए फॉर्मूला याद करना है आपने, यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ Q1 Q2 R दिए हैं, इनको एसआई पद्धति में रख देंगे तो आंसर जूल में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 8th क्वेश्चन। तो निम्न में से धारिता का मात्र कौन सा है, तो इसमें सीधे फॉर्मूला लगाना है आपने, धारिता को सी से दिखाते हैं। तो हम जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, Q/V, सी बराबर Q/V। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो धारिता का मात्रक एक तो फेरेड होता है और दूसरा इस फॉर्मूले से क्या निकल जाता है, कूलाम पर वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य प्रायोगिक पदार्थ रखने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या 0 हो जाएगा। तो अगर आवेशों के बीच प्रायोगिक पदार्थ रखा हो तो तब कूलाम के नियम का सूत्र रूप क्या हो जाता है, एफ बराबर ये हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो वायु वाले के लिए तो ये लगता है, प्रायोगिक में के और ऐड हो जाता है, तो के Q1 Q2 बाई R2। तो ये कूलाम का नियम लेते हैं हमें, तो अगर प्रायोगिक होगा तो अपॉन में के और ऐड हो जाता है।
तो अब प्रायोगिक पदार्थों के लिए के क्या होता है, एक से ज़्यादा। वायु के लिए तो के वन होता है, लेकिन प्रायोगिकों के लिए के एक से ज़्यादा होता है। तो इस सूत्र से हमको क्या पता चला कि ये जो हमारा एफ है ये के है व्यतकानुपाती है, एफ प्रोपोर्शन टू 1/k। तो इसका मतलब आ कि जहाँ के ज़्यादा होगा वहाँ एफ कम हो जाएगा। तो प्रायोगिक पदार्थ रखने से के का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी प्रायोगिकों के लिए के का मान क्या होता है, एक से ज़्यादा। जितने भी प्रायोगिक पदार्थ हैं, कांच, रबड़ वगैरह, तो इन सब के लिए के एक से ज़्यादा होता है। तो अगर प्रायोगिक पदार्थ रखेंगे तो के एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालनी है हमको, ए और बी के बीच टोटल धारिता कितनी होगी। तो ए और बी के बीच यहाँ इतने संधारित्र जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। इसकी जो दूसरी प्लेट है अगले वाले की पहली प्लेट से जुड़ी है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता बट्टे करके जुड़ी जाती है। तो मान लेते हैं इनकी तुल्य धारिता सी डैस है, मान लेते हैं इन दोनों की जो तुल्य धारिता है सी डैस है। तो सी डैस कैसे निकलेगा, 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 कितना है हमारा 1, और C2 भी कितना है हमारा 1। तो 1/C1 प्लस 1/C2 माने 1/1 प्लस 1/1, तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2, या इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। तो 1/C-2/1, तो यहाँ से सी डैस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 का क्या मतलब है, 0.5। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया है, ये दोनों मिला के 0.5 है हमारे। अब आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे तीन संधारित्र जुड़े हैं, पहला संधारित्र ये है, दूसरा इन दोनों को मिला के जो आ रहा है दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों को हमने तुल्य मिला के एक ही मान लेना है, और तीसरा संधारित्र हमारा ये हो गया। तो अब आपने देखना है कि ए और बी के बीच ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जैसे हमने ये संधारित्र लिया, इसकी यहाँ वाली प्लेट ले लेते हैं, पहली वाली प्लेट। तो ये पहली प्लेट यहाँ से किससे जुड़ी है, पॉइंट ए से जुड़ी है, और इन दोनों का जो तुल्य आया उसकी भी ये जो नीचे वाली प्लेट होगी, तो ये यहाँ से किससे जुड़ी होगी, ए से जुड़ी होगी। और जो ये 1 माइक्रोफेरेड का है, इसकी जो इधर वाली प्लेट है, तो इधर वाली जो प्लेट है वो भी किससे जुड़ी है, पॉइंट ए से। तो इन सब जो तीनों संधारित्र हैं इनकी एक एक प्लेट ए से जुड़ी है। अब अगर हम इसकी दूसरी प्लेट देखें, जैसे अगर हम इस प्लेट को ले लें जिसमें मैंने क्रॉस किया है, तो ये प्लेट यहाँ से किससे जुड़ी है, बी से। ऐसी इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है जिसमें मैंने क्रॉस लगाया वाली प्लेट, ये भी किससे जुड़ी है, बी से। और इसकी भी जो इधर वाली प्लेट है तो ये किससे जुड़ी है, बी से। तो इन तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट ए से जुड़ी है और एक एक प्लेट बी से जुड़ी है। तो ऐसा किस में होता है, समांतर क्रम में। तो उसका मतलब ये जो तीनों संधारित्र हैं ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसे निकलती है, सीधे जोड़ के, C=C1 + C2 + C3। तो C1 कितना है हमारा 1 प्लस C2, माने इन दोनों का तुल्य ये अभी अभी हमने निकाला, तो ये कितना आया, 0.5। और C3 यहाँ पर दे रखा है हमको कितना, 1। तो इसको सॉल्व कर लो, 1 और 1 2, 2 और आधा 2.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.5। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा 2.5 हो जाएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम अपना एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 100 माइक्रोफेरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेश करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर सी दिया है हमको, माइक्रोफेरेड माने संधारित्र की धारिता सी, और यहाँ पर क्या दिया है, 10 वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, यानी वी दिया है हमको। तो सी और वी दिए हैं, और आपको क्या बताना है, उसमें संचित ऊर्जा बतानी है। तो संधारित्र में जो संचित स्थित ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U = 1/2 CV² U = 1/2 CV². तो इस सूत्र से निकल जाएगा हमारा है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट अप करते हैं 1/2, तो हमारा ऐसे ही रहा। अब सी की जगह हमने रखना है 100, लेकिन ये तो माइक्रो फैरेड में है, तो इसको फैरेड में बदलना जरूरी है। तो 100 माइक्रो फैरेड यानी कितने फैरेड, 100 × 10^6 = 6 फैरेड। तो इसको हमने पहले फैरेड में बदल दिया, V² विभव कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितनी बार कट आए, 50 बार कट गए। तो हमारा आंसर आ गया 50 × 10^6, ये ऋण 6 है, ये धन 2 है, गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं, तो 10^6 कितना हो जाएगा, ऋण 4। तो ये आंसर किस में आ गया हमारा, जूल में आ गया।
आंसर आ गया 50 गुणा 10 की घात ऋण 4 जूल। इसको पॉइंट को अगर हम इधर खिसका दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 जूल। 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 जूल करके भी लिखा जा सकता है। तो यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के। यहाँ पर हमने कौन से ऑब्जेक्टिव किए हैं जो पिछले 10 साल में जो बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ हम चैप्टर वाइज आपके लिए लाते रहें। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।